गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कमकर फ्री गार्डनिंग। ये छोटी छोटी सी लीफ देख रहे हैं आप इसमें, ये मेरी होप ने, मेरी उम्मीद ने इन्हें फिर से ज़िंदा कर दिया। मैंने बहुत देखभाल की इनकी, बहुत केयर की, पानी का ध्यान रखा कि कम पड़े पानी, ज़्यादा पानी ना पड़े, और जितने भी शेड लाइव प्लांट थे सारे मैंने एक साइड में रख दिए। तो मैं इन्हें रिपोर्ट कर दूँगी क्योंकि इनमें अब ग्रोथ शुरू हो गई है। मैं पिछले साल सितंबर में लेके आई थी। आप देखेंगे मेरा वीडियो छाया में चलने वाले प्लांट, तो इसमें ये वीडियो दिखाए जाएंगे। मैं कई प्लांट लेके आई थी, एक तो एग्लोनिमा लिपस्टिक लेके आई थी और दूसरा प्लांट लेके आई थी मैं चाइनीज एवरग्रीन और क्लथिया भी लेके आई थी। तो ये कई प्लांट लेके आई थी जिसमें से लगभग कुछ बचे, कुछ ख़त्म हो गए। तो ये देखो, ये मैंने बहुत केयर की, तो ये निकाल के इन्हें नहीं फेंका तो इनमें फिर से ग्रोथ स्टार्ट हो गई। तो मैं इन्हें निकाल के फंजीसाइड वाले पानी में डाल दूँगी। ये देखो बिल्कुल बजरी वाली मिट्टी है, फिर भी पता नहीं कि फंगल इन्फेक्शन से बिल्कुल डेड हो गए। तो इसमें मैं थोड़ी सी रेत मिक्स करके तब इसे रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि रेत और ज़्यादा मिलाना ज़रूरी होगी कि बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फंगल इन्फेक्शन हो रहा है और प्लांट मरने के कगार पे थे, बिल्कुल ही डेड, कोई पत्ती नहीं बची हुई थी। फिर भी मैंने इसमें थोड़ा देखभाल की तो ये जिंदा हो गया। हल्दी डाली, फंगीसाइड पाउडर डाला तो ये फिर से ग्रोथ स्टार्ट हो गई। तो मैंने इसे सूखने के लिए डाल दी मिट्टी पूरे दिन भर के लिए, और मैं छोटे प्लांटर में लगाऊंगी, ये दही के मग में लगाऊंगी क्योंकि बहुत छोटा सा रह गया। ज़्यादा लगा तो बड़े में लगा दूंगी तो पानी ज़्यादा जाएगा तो ये फिर मर जाएगा। तो इस तरह से मैं इसमें लगाऊंगी और इसमें फंजीसाइड वाला ही पानी डाल दूंगी, इस तरह से लगा दूंगी। क्योंकि ज़्यादा बड़ा प्लांटर होता है तो उसमें पानी भी ज़्यादा जाता है, मिट्टी बहुत देर तक सक करके रखती है पानी को। और ये भी देखो, मैं छोटे में लगाऊंगी, पहले बड़े में लगा था, मैं इसमें छोटे में लगाऊंगी। और ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा कि इसमें कहीं भी पानी रुके ना। इस तरह से देखो, मैं सारी इसमें मिट्टी जो गई थी निकाल करके फिर ड्रेनेज होने के लिए ये सारे कंकड़ पत्थर डाल के फिर मैं लगाऊंगी इसमें। तो मिट्टी को सुखाना इसलिए ज़रूरी था कि इसमें अगर कोई भी फंगल का कीटाणु वगैरह हो, जीव वगैरह हो, बैक्टीरिया हो, वो सारे किल हो जाएंगे धूप से। और फंगीसाइड पाउडर भी मैंने डाल दिया, और फंगल इन्फेक्शन के लिए बचने के लिए इसमें पानी भी वही डालूंगी। तो ये चाइनीज एवरग्रीन प्लांट था, तो इसमें भी थोड़ी सी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। क्लाथिया का वो ख़त्म हो गया बिल्कुल, वो थोड़ी सी ग्रोथ स्टार्ट हुई फिर पता नहीं क्या हो गया, एकदम से डेड हो गया। ऐसी दो तीन पत्ती निकली थी फिर डेड हो गई। इस तरह से अब मैं इन्हें शेड में ही रखूँगी थोड़ी, एक तो शेड लविंग प्लांट है, वैसे भी मैं प्लांट के बीच में रखूँगी जिससे कि हल्की छन के धूप आए मॉर्निंग की और धूप डायरेक्ट भी ना पड़े, तो इस तरह से मैं रखूँगी छुपा के। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे फंगल इन्फेक्शन बहुत हो रहा है प्लांट में, तो थोड़ी सी हल्की धूप भी मिलना ज़रूरी है। फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए फंजीसाइड पाउडर भी ज़रूरी है। नई जानकारी के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।